स्वागत है आप सभी का आज के इस नई कमाल और फ्रेश वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं T20 सीरीज के स्क्वाड की, जो कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका की T20 सीरीज में होना चाहिए। पहले शेड्यूल की बात कर लेते हैं। पहला मैच देखने को मिलेगा आप लोगों को 26 जुलाई को शाम को 7 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से लाइव, जो कि देखने को मिलेगा पालेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम श्रीलंका से लाइव। अगला मैच देखने को मिलेगा 27 जुलाई को शाम को 7 बजे से ही, ये भी पालेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से ही लाइव देखने को मिलेगा। 3 नंबर का मैच देखने को मिलेगा आप लोगों को T20 सीरीज में 29 तारीख को शाम की 7 बजे, ये भी पालेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से लाइव देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं T20 सीरीज के स्क्वाड की। सबसे पहले दिखाई देंगे आप लोगों को शुभमन गिल इस स्क्वाड में, जो कि पहले जिम्बाब्वे के कप्तान रह चुके हैं। अगले दिखाई देंगे यशस्वी जायसवाल लेफ्ट हैंड बैट्समैन के रूप में। 3 नंबर दिखाई देंगे ऋतुराज गायकवाड़ इस स्क्वाड में, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। 4th नंबर पर सूर्य कुमार यादव दिखाई देंगे आप लोगों को, राइट हैंड बैट्समैन जिनकी संभावना है अभी तक कप्तान बनाए जा सकते हैं ये भी। 5वें नंबर पर दिखाई देंगे संजू सैमसन के रूप में, विकेट कीपर बैट्समैन इस टीम में। अगले दिखाई देंगे आप लोगों को रिंकू सिंह, जो कि एक बेहतरीन फिनिशर के रूप में खेलते हैं। उसके बाद दिखाई देंगे ऋषभ पंत के रूप में, विकेट कीपर बैट्समैन एक और। फिर दिखाई देंगे अभी तक के लिए कप्तान है जो कि हार्दिक पांड्या, बेहतरीन ऑलराउंडर। 9वें नंबर पर दिखाई देंगे वॉशिंगटन सुंदर के रूप में, स्पिन ऑलराउंडर। 10वें नंबर पर शिवम दुबे आ जाएंगे, जो कि एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। वही 11वें नंबर पर दिखाई दे सकते हैं अक्षर पटेल बापू के रूप में, एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन और बेहतरीन बैट्समैन। फिर दिखाई देंगे आवेश खान के रूप में, एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन। वही दिखाई देंगे अगले नंबर पर अर्शदीप सिंह, जो कि एक बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं। फिर दिखाई देंगे मोहम्मद सिराज के रूप में, एक और राइट आर्म फास्ट बॉलर। और सबसे लास्ट में आ जाएंगे स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के रूप में खेल रहे रवि बिश्नोई, बेहतरीन फील्डर भी हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग इस स्क्वाड के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।